सिवनी मालवा में गौ तस्करी को रोकने के लिए और गौ तस्करों पर कार्रवाई के लिए गौ सेवक संघ द्वारा तहसील के सामने धरना आंदोलन किया गया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, नर्मदापुरम एसपी और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। गौ सेवकों की मांग है कि सिवनी मालवा में अभी पिछले दिनों गौ तस्करी का एक मामला सामने आया था। गौ सेवकों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि गौ तस्करी करने वाले दलालों पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की और जिन पर कार्रवाई की है वह अभी भी फरार है। आज किस विषय को लेकर धरना आंदोलन किया जा रहा है भाई? प्रशासनिक उदासीनता और सरकार की अकर्मण्यता के कारण आज कितने सारे गौ रक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। शासन की ओर से गौ रक्षा के लिए जो गौशालाओं की जो स्थापना की जा रही थी, पूरी गौशालाएं बंद पड़ी हैं। किसानों को अपनी अपनी गायों को सुरक्षित रखने के लिए शासन को योजना चलाई जानी चाहिए थी, वो बंद पड़ी है। आज पशुधन जो है लावारिस हालत में घूम रहा है, उसका फायदा ऐसे गौ तस्कर लोग ले रहे हैं। गौ तस्कर गौ के संबंध में, गौ की रक्षा के लिए, गौ के संवर्धन के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से सिवनी मालवा में गौ की तस्करी हो रही है, गौ वंश नष्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, इसकी ओर शासन को ध्यान देना चाहिए। इसी बात को लेके आज गौ रक्षक जो है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं कि गौ की रक्षा की जाए और गौ के तस्कर जो है उनको कार्रवाई की जाए। बाकी जानकारी गौ वंश के ऊपर जो अपराध यहाँ थाने पे कायम किया गया था उसमें कुल 5 आरोपी नामजद किए गए हैं। उनमें एक आरोपी चूँकि एक्सपायर हो गया है, अन्य दो आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको जेल भी भेजा गया है। अन्य आरोपी जो दो नामजद हैं वो अपने घर से भी सकूनत से फरार हैं, जिनकी पुलिस टीमें बना के जगह जगह दबिश दी जा रही है उनके रिश्तेदारों के, और उनको जल्दी ही पकड़ लेंगे और उन पर इनाम भी घोषित करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर और कोई नाम इस संबंध में गौ तस्करी में आता है उनको भी नामजद करके उनकी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र की जाए। सर, ये गौ तस्करी करने वाले अपने ही सिवनी मालवा क्षेत्र के ही थे क्या? कोई नहीं, ये थाना क्षेत्र के नहीं थे, अमरावती के थे और अपने यहाँ के जो एक व्यक्ति आया और एक थाना क्षेत्र दूसरे थाना क्षेत्र का नामजद हुआ है इरशाद और राजा, तो इनके लिए पता रसी कर इनको जब पकड़ेंगे तो और भी नाम आने अगर आते हैं तो उनको नामजद करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।